जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ओवरहीट इश्यूज़ इन वेजल में, जो ज़्यादातर माउंटेन्स और लॉन्ग ड्राइव्स में आते हैं। और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है कि हर आधे घंटे की ब्रेक लेनी चाहिए हर दो घंटे की ड्राइव के बाद, जो कि गलत है, तो इस बारे में देखते हैं। ये मेरा ब्लूटूथ OBD2 स्कैनर है जो वेजल में इस एरिया में, यहाँ पे OBD2 पोर्ट है, यहाँ पर ये लगता है। उसके बाद ब्लूटूथ के थ्रू हमने इसको ऐड करना है, पेयर करना होता है। इसका कोड 0000 या 1234 होता है। जिसके बाद हमने दो ऐप्स हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, OBD फ्यूजन और टॉर्क प्रो। OBD फ्यूजन में इसको ऐड करने की सेटिंग ये है, और आगे फिर आपको मैं टॉर्क प्रो में भी इसको डिवाइस को ऐड करने की सेटिंग बताऊँ। अभी ये जो दोनों ऐप्स हैं, इन दोनों ऐप्स में डिस्प्ले टेम्परेचर का ऐड करने का मैं आपको दिखाऊंगा। OBD फ्यूजन में शुरू में मैंने जो ऐड किया था वो फॉरन हाइट में है, तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑप्टिमम ट्रांसमिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो वो बेसिकली होता है 80 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आप 110 पे क्रूज़ लगाएंगे मोटरवेज पे, तो 77 से 80 डिग्रीज के बीच में रहता है। ये एक एग्जांपल है जिसमें मेरी गाड़ी का ट्रांसमिशन थोड़ा सा ओवरहीट हो रहा था, 100 तक गया था, तो जब मैंने उसको 110 पे क्रूज़ लगाया तो वापस वो 163.4 यानी ऑलमोस्ट 70 डिग्री पे आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर 110 के करीब चला गया ट्रांसमिशन टेम्परेचर, तब आपने लाजमी ब्रेक लेनी है, क्योंकि जो डेंजर साइन है वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ट्रांसमिशन टेम्परेचर पहुंच जाए तो डैमेज शुरू हो जाता है।